দাঁড়া আর কি কি আছে আগে দেখি। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे, और सैटरडे हो या संडे हो, मतलब मेरी बेटी का तो स्कूल ऑफ रहता है, लेकिन हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, हम लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। सैटरडे संडे उल्टा मुझे ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो अभी मैं सुबह सुबह ना कपड़ा मैं दे रही हूँ मशीन में, ताकि जल्दी जल्दी कपड़ा सूखेगा। अभी मैं सुखाऊंगी तो जल्दी शाम तक सूख जाएगा। और अभी मैं खाना भी बनाऊंगी, और क्योंकि डांस क्लास है उसका। और अभी मैं ना आज मैं बनाऊंगी मटन। तो मैं सुबह सुबह ही ना खाना बना के ही मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न आने में तो 12:30 बज जाता है, घर आने में तो टाइम नहीं मिलेगा। तो वही मैं मटन में कैसे बनाती हूँ ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो तेल गरम हो गया है, मैं उसमें दे दूंगी 2 रेड चिली, जो सूखा मिर्चा होता है वो। और यहाँ पे ना मैं एक बात आपको बोल दूंगी कि जो सूखा मिर्चा आप जब ऐड करेंगे ना, थोड़ा सा उसको नाखून से तोड़ दीजिएगा, नहीं तो ना कभी कभी वो मतलब फटता है। तो मेरा ऐसा हुआ था एक बार, तो बहुत लगता है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा तोड़ दीजिएगा। अब उसमें डाल देना है थोड़ा सा जीरा। अब जीरा जैसे ही भून जाएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी तेज़पत्ता। अब तेज़पत्ता ये तीनों जैसे ही अच्छे से भून गया, अब मैं उसमें डाल दूंगी हींग। हींग मतलब बहुत ही अच्छा मतलब लगता है ऐसे भी, मतलब हींग का तो फ्लेवर तो बहुत अच्छा रहता है, और बहुत जल्दी वो हजम भी कर देता है, डाइजेस्ट बहुत अच्छा से हो जाता है। तो इसीलिए हींग भी देना है। और मैंने यहाँ पे दे दिया है खड़ा मसाला कुछ दिया है, जैसे लौंग, ब्लैक पेपर और इलायची, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके दे दिया है। और लास्ट में मैंने हींग भी अभी ऐड कर दूंगी। अब जैसे ही ये सब भून जाएगा, अब मैं उसमें डाल दूंगी प्याज। इसको भी मैं थोड़ा सा चला के फिर मैं उसमें धीरे धीरे मसाला ऐड करूँगी, जो ड्राई मसाला होता है पाउडर, वो सब मैं अभी ऐड करूँगी। तो पहले मैं डाल दूँगी नमक, फिर थोड़ा सा हल्दी, और फिर मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिली पाउडर। और जैसे ही मसाला थोड़ा सा भून के फिर मैं उसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर जैसे थोड़ा सा जैसे हल्का सा भुन गया उसमें, उसमें मैं फिर डाल दूँगी मटन। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है, और 1 किलो मटन का बनेगा। तो बस इसको अब अच्छा से एकदम, ये थोड़ा तो टाइम टेकिंग है, अब इसको अच्छा से चलाना है, बीच बीच में उसको ढकना है, मतलब सीटी नहीं लगाना है, मतलब ढक के उसको अच्छा से। और फ्लेम लेकिन ऐसा नहीं कि सीम में रहेगा, पहले तो फुल फ्लेम में ही इसको चलाना है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मतलब मीडियम फ्लेम में उसको चलाते रहना है, और बीच बीच में ढकना है। मटन अच्छा बनने के लिए ना, मटन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। एक एक जगह पर मटन बहुत अच्छा मिलता है, जैसे सिलीगुड़ी में हम लोग जहाँ से लाते हैं, वहाँ मटन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मतलब इसका खुशबू तो मैं क्या बोलूँ, आप ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से खाली बनाओ तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन मटन का मतलब एक होता है, मटन भी अगर अच्छा रहता है ना तो सब्ज़ी और अच्छा लगता है। तो यहाँ का मटन बहुत अच्छा है, ज़्यादातर हम लोग जहाँ से लाते हैं वो बहुत ही अच्छा है, खुशबू बहुत ही अच्छा है इसका। तो बस अब ऐसे ही पानी थोड़ा सा निकलेगा यहाँ मतलब मटन से, जब तक पानी एकदम सूखेगा तब तक मतलब इसको चलाना है अच्छा से, एकदम इसका भी मतलब मसाला भी भुनेगा, साथ में मटन भी भुन जाएगा, और ऐसा नहीं कि मटन पूरा बॉयल हो जाएगा, भुन जाएगा अच्छा से। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर, और साथ में मैं थोड़ा सा दे दूंगी उसमें रेड चिली, जो कश्मीरी रेड चिली होता है उसका थोड़ा सा मैं दे दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा कम तीखा रहता है लेकिन उसमें ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। अब फिर इसको वैसा ही पूरा अच्छा से एकदम भूनने तक, तेल छोड़ने तक उसको एकदम अच्छे से भूनना है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से वो भुन रहा है मसाला, तेल धीरे धीरे छोड़ने लगा है, और कलर तो देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है कलर, और खुशबू तो खैर मैं बोल नहीं सकती, मतलब बस यही बोलूँगी बहुत ज़्यादा टेस्टी सा दिख रहा है, और खुशबू भी बहुत ही अच्छा हो रहा है।
और बस ऐसे ही तेल छोड़ने तक उसको चलाना है। और साथ में मैं ना इसमें आलू ऐड करती हूँ मटन में, मतलब बिना आलू का हम तो मटन सोच भी नहीं सकते। और तो आलू इसमें हम पक्का ऐड करते हैं। और मटन का जो आलू मैं देती हूँ ना, उसमें ज़्यादातर हम लोग मतलब उसका मतलब पील ऑफ नहीं करते हैं, उसका मतलब छिलका जो होता है ना उसको रखते हैं, और बस बड़ा बड़ा पीस रहेगा वही छिलका, तो बहुत टेस्टी होता है। और उसको क्योंकि ये सीटी लगेगा तो इसलिए आलू बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो इसलिए मैं लास्ट में दूंगी। अब मतलब जैसे मसाला देखिए भुन गया है ना, तो अभी मैं आलू ऐड करूंगी। अब उसको थोड़ा सा मतलब उसको मैं चला के फिर मैं सीटी लगा लूंगी, और बहुत पहले से मैं उसको दे दूंगी तो वो मतलब बस यही मसाला करते करते ही वो बॉयल हो जाएगा, तो इसलिए उसको लास्ट में ही देना है। अब ये पूरा परफेक्ट मतलब हो चुका है, पानी डालने के लिए रेडी है। अब मैं लास्ट में अभी यहाँ पे डाल दूँगी मीट मसाला जो पाउडर आता है ना, तो वही मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी और उसको मिक्स करके अब मैं उसमें पानी डाल दूँगी। और पानी हमेशा मैं गर्म पानी उसमें डालती हूँ, गर्म पानी यूज़ करने से ना अच्छा होता है, बहुत जल्दी बॉयल भी आता है, सीटी जल्दी लग जाता है, तो मैं गर्म पानी ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो बस इसको चला के तुरंत गर्म जितना पानी चाहिए उसी हिसाब से पानी दे देना है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एकदम शुगर ऐड की हूँ, वो बैलेंस रहता है टेस्ट उसका, तो अच्छा लगता है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब उसको सीटी लगा लेना है, तो मैं 2 सीटी फुल फ्लेम में लगाऊंगी, फिर मैं 3 सीटी जो है वो सीम में लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए ये रेडी हो गया है, उसका कलर देखिए लाजवाब कलर हुआ है, एकदम ज़बरदस्त एकदम कलर हुआ है, टेस्ट तो सच में बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बस इतना गर्मा गर्म जो होता है जो बन जाता है उसके बाद जो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए होता है ना वो बहुत मज़ा आता है। तो मैं ना ज़रूर इसको थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं सोना को लेकर डांस स्कूल जाऊँगी। तो अभी मैं बस निकाल रही हूँ कि अच्छे से बॉयल हुआ है कि नहीं, या मतलब ठीक से ये हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मैं और सोना दोनों ही थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, फिर मैं उसको लेके अभी डांस क्लास जाने वाली हूँ। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए मामा तुम्हारे लिए निकाल रही है झक्कास, क्या है जबरदस्त। ओहो ओसम, नाइस ऑसम नहीं बोलना है, क्या बोलूंगी तो फिर नाइस, ओके अच्छा 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 नाइस वेरी नाइस, फिर दिखाओ, ओह बा गो वॉश योर हैंड्स। और अब मुझे ना ज़्यादातर मतलब चिकन या मटन होता है, तो मुझे गर्मा गर्म मटन चिकन के साथ रोटी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब राइस से ज़्यादा अच्छा मुझे रोटी लगता है। तो मैं अपने लिए रोटी बनाई हूँ, और वैसे तो राइस मुझे थोड़ा सा मिल ही जाएगा क्योंकि मेरी बेटी तो पक्का छोड़ती है, तो फिर मुझे राइस वहीं से खाना है, तो मैं रोटी ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ अगर चिकन और मटन होता है तो बस। और बहुत अच्छा लगा सोना को, थोड़ा सा तीखा हुआ था उसके लिए, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लेती है। अब यहाँ पे वो इवनिंग में अपना पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके जो भी खाना था वो खा के वो नीचे थोड़ा डेली आती है, मतलब ज़्यादातर वो नीचे पहले मतलब सो के उठ के फिर आ जाती है नीचे, थोड़ा सा पार्क में खेलती है जो सोसाइटी में पार्क है, और साइकिलिंग करती है और फिर जाके वो पढ़ाई करती है। लेकिन आज सैटरडे है, तो सैटरडे में ना उसका थोड़ा रहता है कि वो बाहर जाएगी पापा के साथ घूमने के लिए कहीं भी, मतलब उसको तो मॉल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज भी वो पापा को फ़ोन करके बुलाई है। और बेचारे वो क्या करेंगे, अभी मंथ एंड चल रहा है, उनका बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी वो बोले अच्छा ठीक है मैं आके फिर थोड़ा सा घुमाने ले जाऊंगा, तो इसलिए वो अभी वेट कर रही है। मतलब वो पूरा एकदम पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके नीचे हम लोग आए हैं रेडी होके, अब जैसे ही वो आएंगे हम लोग नीचे से ही वो बेचारे पूरा बिना बिना फ्रेश हुए हम लोग को ले जाएंगे वहीं से, तो उसको तो बहुत मज़ा है, पापा घुमाने ले जाएंगे। और पहले तो वो बोल रही थी यहाँ पे एक बगल में मेला लगा है तो वहीं पे जाना है, तो वो बार बार बोल रहे पापा वही कार्निवल में जाना है, लेकिन वही मंथ एंड की वजह से वो मना किए कि लेट हो जाएगा बहुत, और तो इसीलिए बस वही कहीं जाएंगे घूमने के लिए थोड़ा सा, अगर कहीं पे उसका भी कुछ सामान लाना है तो अगर होगा तो वहीं पे थोड़ा सा, अगर मॉल अगर जाना होगा तो वहीं से मिल जाएगा मुझे, तो वहीं पे जाके मैं घूम उसका घूमना भी हो जाएगा, कुछ सामान भी मेरा हो जाएगा।
क्यों डर लग रहा है? हाँ जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। तुम बैठो, देखो आराम से, आराम से। हाँ पर उठ जाओ थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड। ट्रेन में बसने अच्छा दाना आ की क्या अच्छा के देखी तो देखो कत गुलो আছে चलो এদিকে रुको स्टार्ट होगा, आ रहे हैं वो अंकल, आ रहे हैं।